देवास जिले के बागली में 4 फरवरी को एक 7 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार करने वाले फरार आरोपी किशन पिता भागीरथ राठौर को नवागत पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में पुलिस ने अपनी चतुराई के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर गुरुवार के दिन डबल चौकी लेकर पहुंची, जहां पर पुलिस ने आरोपी किशन राठौर 50 वर्ष को घटना स्थल उसके निवास स्थान पर ले जाकर वहीं से जुलूस निकाला। जुलूस निकालते ही ग्रामीणों ने पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। देवास पुलिस अधीक्षक कृष्णा वेणी देसावतु द्वारा गठित टीम देवास एसडीओपी किरण कुमार शर्मा के नेतृत्व में पूरी टीम ने आरोपी को पकड़ने में अपनी सफलता अर्जित की और आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाया। पुलिस की सक्रियता के चलते 24 घंटे में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 फरवरी डबल चौकी समीप पुलिस थाना बरोड क्षेत्र के सिवनी काकड़ पर 7 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी किशन फरार हो गया था। घटना के बाद क्षेत्र में ग्रामीणों ने आक्रोश जताया था। घटना को लेकर आक्रोशित डबल चौकी में ग्रामीणों ने बुधवार को आधे दिन तक अपनी दुकानें बंद रखी थी और विरोध दर्ज कराया था। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। वो कहते हैं ना सिंह नहीं होते। विगत दिनों एक बलात्कार की घटना हुई थी 8 साल की बालिका के साथ डबल चौकी क्षेत्र में। उसमें आरोपी किशन राठौर घटना दिनांक से ही फरार हो गया था और क्षेत्रवासियों में इस बात को लेकर रोष भी था। घटना की गंभीरता को देखते हुए हमारी पुलिस अधीक्षक महोदया ने हमें निर्देश दिए थे कि शीघ्र से शीघ्र पकड़ा जाए। उनके निर्देशानुसार टीम बनाकर लगातार घेराबंदी की गई और 24 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।